रजनी की मौत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अरे उसके सुसाइड नोट में नाम है तेरा, तूने किया है क्या कुछ? तो वीडियो तुम्हीं ने अपलोड किया था। आई एम वार्निंग यू गाइस, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। उन तीनों लड़कों में से ही कोई एक। मैं इसे नहीं जानता और ना ही मैंने इसे कभी देखा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द फिल्मी तड़का पर। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं साउथ के टॉप पेड बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी, जिनकी स्टोरी लाइन में आपको यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली, और साथ ही साथ यह सभी मूवीज आपको सस्पेंस की कमी बिल्कुल ही महसूस नहीं होने देगी। और आज के वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम आपको जितनी ही मूवीज के बारे में बताएंगे उन सभी मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही लगातार वीडियोस का अपडेट पाते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अभी तक देवीकुलम पुलिस स्टेशन लिमिट में 3 लोग मिसिंग। दोस्तों हमारी आज की वीडियो नंबर 8 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2022 की रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है जॉन लूथर और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7/10 जो की अच्छी रेटिंग मानी जाती है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी में हमें जॉन नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में दिखाया गया जो एक मिसिंग टीचर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता। हालांकि कहानी में ट्विस्ट आता है जब जॉन इस केस को सॉल्व करते करते एक ऐसे रहस्य की ओर पहुंच जाता है जिसकी वजह से उसकी नौकरी और जान दोनों खतरे में आ जाती है। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि क्या जॉन उस मिसिंग टीचर को ढूंढ पाता है या नहीं, और इवन वह ऐसे कौन से रहस्य की ओर पहुंच जाता है जिसके से उसकी जान और नौकरी दोनों खतरे में आ जाती है। सब मिस्ट्री जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। दोस्तों यह एक डार्क क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है जो आपको अपनी बेहतरीन स्टोरी लाइन और डार्क इंटेंस सीन से आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। हालांकि दोस्तों यह मूवी अपने फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्लो नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे यह मूवी अपने सेकंड हाफ में पहुंचती है एक ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न लेती है जिसकी वजह से यह मूवी और भी परफेक्ट बन जाती है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं यह मूवी आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। ये दुनिया का सबसे कीमती एंटीक पीस जो किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास मेरा एक अंडा है, इसे उसने अंडे के लिए मार दिया होगा, उस खतरनाक लड़की का गला काट दो। दोस्तों हमारी नंबर 7 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2022 की रिलीज एक बेस्ट ड्रामा थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है भमा कालापम और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 है आउट ऑफ 10 जो ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी में हमें एक बहुत ही अमीर होटल के मालिक के बारे में दिखाया गया जो अनुपमा नाम की एक क्यूरियस हाउसवाइफ की जिंदगी को उथल पुथल कर देता है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब अनुपमा बदले की भावना के चलते उसके होटल में हो रहे एक फूड कंपटीशन में भाग लेती ताकि वह उस होटल में चोरी कर सके। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि आखिर वह अमीर होटल का मालिक अनुपमा की जिंदगी को कैसे उथल पुथल कर देता और इवन क्या अनुपमा उसके होटल में चोरी कर पाती है या नहीं, यह जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर कर। देखा जाए तो दोस्तों यह मूवी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोर कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती तो यह आपके सामने कुछ ऐसे ट्विस्ट और सस्पेंस रखती जो आपको यह मूवी पूरी देखने में मजबूर करती है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। रजनी की मौत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? उसके सुसाइड नोट में नाम है तेरा, तूने किया क्या कुछ? तो दोस्तों नंबर 6 की प्लेस पे हमारी जो मूवी आती है साल 2023 की रिलीज एक खतरनाक मिस्ट्री थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 है आउट ऑफ 10। यह एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसकी फिल्म की कहानी में एक स्कूल टीचर के बारे में दिखाया गया जिसका एक विचित्र वीडियो वायरल हो जाता है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद वह टीचर कहीं गायब हो जाती है जिसकी वजह से कुछ पुलिस ऑफिसर उसकी खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब पुलिस ऑफिसर उस टीचर को ढूंढने निकलते हैं तो उस टीचर से रिलेटेड कुछ ऐसे राज मिलते हैं जिसकी वजह से यह केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि आखिर वीडियो लीक होने के बाद वह टीचर कहां गायब हो जाती है और इवन पुलिस ऑफिसर को उस टीचर के बारे में ऐसा कौन सा राज पता चलता है जिसकी वजह से यह केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये सब चीज जानने के लिए आप एक बार मूवी को चेक जरूर करें। बेसिकली दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आपको अपने साथ एंगेज कर रख देने वाली, और साथ ही साथ इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलने वाला है जो इस मूवी को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाती है। तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। गाइस हमारी आज की वीडियो नंबर 5 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2018 की रिलीज एक बेस्ट हॉरर सस्पेंस थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है थरू वथा इवारू और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5/10 जो एवरेज रेटिंग मानी जाती है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में हमें चंदू और नित्या नाम के कपल के बारे में दिखाया गया जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ रीजन के चलते वह दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हालांकि थोड़े समय बाद नित्या एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करती है जिसे देख के चंदू भी पार्टिसिपेट कर
लेता। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब उस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किए हुए लोगों की एक एक करके जान जाने लगती है तो बाकी सभी बचे लोग डर जाते हैं। अब आगे मूवी में क्या होता है और अरविंद के चंदो और नित्या इस रियलिटी शो से जिंदा बच के बाहर आ पाते हैं नहीं, जानने के लिए आप एक बार उसको ट्राई जरूर करें। हालांकि दोस्तों अगर हम इस मूवी की ऑनलाइन रिव्यू करें तो यह मूवी बहुत ही एवरेज और वन टाइम वॉच होने वाली है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। Warning you guys, you are crossing your limit. उन तीनों लड़कों में से ही कोई एक। तो दोस्तों हमारी वीडियो नंबर 4 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2022 की रिलीज एक बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है मैरी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7 है आउट ऑफ 10, जो अच्छी रेटिंग मानी जाती है। एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। बात करें फिल्म की कहानी की तो इसमें मैरी नाम की एक लड़की के बारे में दिखाया गया जो एक दिन एक पुलिस स्टेशन जाती ताकि वह कुछ पुलिस ऑफिसर को बता सके उसके साथ रेप हुआ। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब सीआई रतन इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो वह इस केस से रिलेटेड कुछ ऐसे मुजरिम को पकड़ता है जो मैरी को जानते तक नहीं होते। अब आगे मूवी में देखना होता है कि सीआई रतन इस केस के असली मुजरिम को पकड़ पाता है या नहीं और इवन वह पहले किन मुजरिम को पकड़ के लाता है जो मैरी को जानते तक नहीं होते। यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार उसको ट्राई जरूर करें। हालांकि दोस्तों यह मूवी जितनी सिंपल और नॉर्मल लग रही है उतनी ही खतरनाक और बेहतरीन होने वाली है। और तो दोस्तों इस मूवी में आपको कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाले हैं जो आपको पूरी तरीके से अमेज कर रख देने वाली है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। दोस्तों हमारी आज की वीडियो नंबर 3 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2024 की रिलीज एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है अन्वेषिपिन कंडे तुम और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है आउट ऑफ 10, जो बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है। एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। बात करें फिल्म की कहानी की तो इसमें आनंद नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में दिखाया गया जिसे किसी रीजन के चलते सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब आनंद सस्पेंड होने के बाद अपने जॉब पे वापस आता है तो उसे दो ऐसे मर्डर मिस्ट्री के सॉल्व करने को मिलते हैं जिससे पूरा केरला स्टेट शॉक में होता है। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि आखिर आनंद को उसकी जॉब से उसे सस्पेंड क्यों किया जाता है और इवन के आनंद उन दोनों मर्डर केस को सॉल्व कर पाते हैं नहीं, यह जानने के लिए आप एक बार मूवी को ट्राई जरूर करें। देखा जाए दोस्तों यह एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें अगर आपने 5 मिनट का भी सीन मिस किया तो आपको यह मूवी पूरी तरीके से कंफ्यूज करके रख देने वाली है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। गाइस हमारी आज की काउंटडाउन है नंबर 2 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2021 की रिलीज एक बेहतरीन ड्रामा थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है प्रिया रल्लू और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7 है आउट ऑफ 10, एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। यह तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में एक युवा लड़की के बारे में दिखाया गया जो बचपन में ही विवाहेतर संबंध का शिकार हो जाती है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब अनजाने में वह लड़की एक शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध बना लेती तो उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगती है। अब आगे मूवी में देखना होता है आखिर वह लड़की बचपन में ही विवाहेतर का शिकार कैसे हो जाती है और इवन जब वह एक शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वह किस बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार उसमें को ट्राई जरूर करें। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी बेहतरीन होने वाली है जो आपको कई जगह पे इमोशनल करके रख देने वाली है और साथ ही साथ यह मूवी बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग होने वाली है जो आपको यह मूवी एक बार नहीं बल्कि कई बार देखने पे मजबूर करती है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो नंबर 1 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2023 की रिलीज एक बेस्ट हॉरर थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है बू और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है आउट ऑफ 10, जो कि एवरेज रेटिंग मानी जाती है। एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी में हमें 4 दोस्तों के एक ग्रुप के बारे में दिखाया गया जो एक हॉस्पिटल में हैलोवीन मनाने के लिए और एक हॉरर से भरपूर नॉवल पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब वह सारे दोस्त जैसे जैसे उस नॉवल को पढ़ने लगते हैं वैसे वैसे उनके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है जिसकी वजह से वह सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आगे मूवी में देख रहे हैं तो आखिर वह 4 दोस्त उस नॉवल को पढ़ने की वजह से कैसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और इवन क्या वह सब इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाते हैं नहीं, या जानने के लिए आप एक बार मूवी को ट्राई जरूर करें। अगर दोस्तों आप थ्रिलर मूवी के साथ हॉरर का भी मजा लेना चाहते थे, यह मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली, इसे किसी भी हाल में मिस ना करें। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते थे, यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। दोस्तों ये थी हमारी आज की साउथ की टॉप 8 बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी जिनकी स्टोरी लाइन में आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।